हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बारिश के मौसम में सबकी फेवरेट चीज़ तड़का मैगी। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैसे वीडियो देखने के लिए तड़का मैगी आज मैं बटर में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पैन में एक बड़ा चम्मच बटर लिया है। बटर मेल्ट होते ही उसके अंदर एक छोटा कटा हुआ प्याज डाल देंगे और ऊपर से मैंने थोड़ी कैप्सिकम, कॉर्न और टमाटर लिए हैं, उसको भी छोटा छोटा कट करके इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर मैं 2 मैगी बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 पैकेट मसाला लिया है। और ये देखिए अब क्या हो गया, स्पैचुला ही मेरे हाथ से गिर गया। मसाले को भी सब्जियों में अच्छे से भून लेना है 30 सेकेंड के लिए, ताकि ये अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उस पर भी फॉलो कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट जो अपडेट है वो इंस्टाग्राम पे मिलती रहे। अब मैंने यहाँ पर 2 कप जितना पानी डाला हुआ है और 2 मैगी ऐसे बीच से तोड़कर डाल दी है और इसको पानी में अच्छे से मिला देंगे। मुझे मैगी लंबी लंबी पसंद है, इसलिए मैं तोड़कर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको जो बारीक वाली पसंद हो तो आप उसको तोड़कर भी डाल सकते हैं। अब मुझे चीज़ मैगी बनानी थी, इसलिए मैंने क्या किया है कि 1 क्यूब चीज़ लिया है और उसको ऐसे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। वैसे किसकी मैगी 2 मिनट में बन जाती है वो मुझे कमेंट में बताना। चीज़ डालने के बाद थोड़ी स्पाइसी मैगी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा गरम मसाला डाला है। अगर आपको लाल मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं करना हो तो आप ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, पर मेरे भाई को ग्रीन चिली पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, जिससे हमारी मैगी अच्छे से पक जाएगी। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे तो ये हमारी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे थोड़ी गीली सूखी मैगी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा पानी अंदर रखा है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप पानी कम भी कर सकते हैं। अब इसको एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसे गर्मा गर्म ही खा लेंगे। आज के वीडियो का शाउट आउट जाता है वैभव कानोगो को। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक मैगी बनाइए और सबको खिलाइए। बाय।